इस चैनल पे आपको WhatsApp से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इधर रिसेंट टाइम में मैंने WhatsApp पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो बिना किसी बीसी के मैं मतलब बातचीत के कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है एडिट फोटोज़ का। अरे हाँ हाँ, पता है मुझे आप सभी लोगों को फोटो एडिट करना आता है, लेकिन मैं एक नए फीचर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको किसी ने कोई पिक्चर सेंड किया और आपको इंडिकेट करके फिर से उसे सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आपको अपने कैमरा को ओपन करना पड़ता था, मतलब कि गैलरी को, और फिर इस पिक को खोज के आप लोग एडिट करके उसे सेंड करते थे। लेकिन यहीं पे एक नया फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको सिंपली इस फोटो को ओपन करना है और आपको यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहीं पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट का। आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है, आपके सामने सारे एडिटिंग टूल आ जाएंगे। आप लोग यहाँ से अब जो भी मतलब मार्क करना चाहते हैं, जो भी इंडिकेट करना चाहते हैं वो कर दीजिए, और फिर आसानी से फिर से आप लोग यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फीचर कितने ज़्यादा काम का है, क्योंकि अगर किसी ने मुझे बहुत पहले कोई पिक्चर सेंड किया था, जैसे कि मैं इस पिक्चर को उठा लेता हूँ और इसे मुझे एडिट करना है, तो यहाँ से मैं आसानी से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकता हूँ, या इसमें जो भी टाइप करना चाहता हूँ, इमोजी यूज करना चाहता हूँ, यूज करके मैं इसे सेंड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, आपको गैलरी को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से नेक्स्ट फीचर, यहाँ से अगर आप लोगों ने कुछ स्टेटस में लगाया है और इसे आप लोग कॉपी करना चाहते हैं, मतलब किसी भी रीजन से कॉपी करना चाहते हैं, शायद आपको कुछ इसमें कॉपी करके एडिट करना है, तो आपने एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया और आपको इसे कॉपी करके फिर से मतलब कि एक नया स्टेटस में कुछ और भी ऐड करके लगाना है, इसे आप लोग आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और फिर आपको जिस भी स्टोरी से टेक्स्ट को कॉपी करना है आपको उसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ है और ये मेरा मैसेज कॉपी हो चुका है। इसे मैं कहीं पे भी अब पेस्ट कर सकता हूँ, या मुझे फिर से स्टेटस लगाना है तो मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर सकता हूँ, और पेस्ट करके मुझे जो भी यहाँ से एडिट करना है, जो भी कुछ भी ऐड करना है, मैं ऐड करके फिर से स्टेटस लगा सकता हूँ। और यहाँ आ ही गए तो लगे मैं एक और भी फीचर बता देता हूँ आपको। तो कई बार होता है कि हम लोग वीडियो या फोटो लगाते हैं अपने स्टेटस में और कोई हमसे मांगता है कि हाँ मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर करो, तो हमें अपना गैलरी को ओपन करके फिर से उसे सेंड करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आपको सिंपली अपने स्टेटस के थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको उस जो भी वीडियो है या जो भी इमेज है उसके थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ सिंपली फॉरवर्ड पर क्लिक करना है, और आप लोग जिसे भी सेंड करना चाहते हैं आप लोग आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये इतना आसान है, ऐसे ही करके आप लोग कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाता है शेयर का। तो अगर आप लोग इसी सेम वीडियो या फोटो को अगर आप लोग इंस्टा स्टेटस या इंस्टा के चैट में किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसी फीचर का यूज़ करके आप लोग इंस्टा के चैट में या फीड में या स्टोरी में आसानी से शेयर कर सकते हैं, या आप लोग जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि यहाँ से अगर आप लोग कोई भी स्टेटस लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिलता है, जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसके ब्रश स्ट्रोक बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो अगर इसे आप लोग थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, थोड़ा डीप करना चाहते हैं, थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, तो आपको इसे होल्ड करना है, और होल्ड करके आपको स्वाइप लेफ्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं आपका ब्रश स्ट्रोक थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग जो भी कलर चूज करना चाहते हैं आप लोग ऊपर नीचे करके कलर चूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग जितने ज़्यादा लेफ्ट जाएंगे उतना ज़्यादा डार्क होगा, आपका कलर थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब आपका ब्रश का स्ट्रोक आप लोग देख सकते हैं कितने मोटे हो गए हैं। और ये ट्रिक बहुत ही कम लोगों को पता है, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में। और यहीं पे एक और भी फीचर मिलता है, अगर आप लोग इमोजी के सेक्शन में जाते हैं तो यहीं पे आपको स्टिकर का भी ऑप्शन मिलता है, और आपके सारे स्टिकर यहीं पे शो हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इसमें से कोई भी स्टिकर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। एंड द नेक्स्ट फीचर इज कॉल ग्रुप्स। तो पहले अगर आपको कोई भी ग्रुप कॉल करना होता था, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो ऐसे ही ग्रुप कॉल करना होता था तो हमें पहले एक सिंगल कॉल लगाना पड़ता था, और फिर यहाँ से हम लोग एक एक करके किसी को भी ऐड कर पाते थे, मतलब कि एक बार में हम लोग एक ही इंसान को ऐड कर पाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल ग्रुप का एक ऑप्शन आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का। आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक ही साथ बहुत सारे लोगों को नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो यहीं पे कॉल ग्रुप का फीचर आया था, जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। तो कॉल ग्रुप का फीचर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं कॉल ग्रुप का आपके सामने एक ऑप्शन है, आपको न्यू कॉल ग्रुप में जाना है, और फिर यहाँ से आप लोग जिसे इसको भी कॉल लगाना चाहते हैं आप लोग पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग जिसके साथ भी कॉल करना चाहते हैं आप लोग उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और आप लोग यहाँ से सात मेंबर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। फिर आपको वीडियो कॉल करना है या कॉल करना है, आप लोग सिंपली एक क्लिक में सभी को कॉल लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ग्रुप कॉल लग चुका है, तो ऐसे करके आप लोग अब आराम से कॉल ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बस एक सिंपल कॉल ग्रुप है, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, ये चैटिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कॉल ख़त्म करिएगा, कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, और अगर आपको दोबारा फिर से कॉल करना है इसी ग्रुप का यूज़ करके, तो आपको रिसेंट चैट में दिख जाएगा, आप लोग एक सिंगल क्लिक करके सेम ग्रुप को कॉल लगा सकते हैं, मतलब
सभी बंदों को एक साथ कॉल लगा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट फीचर इज स्टेटस अंडू। तो यहाँ से अगर आप लोग कोई भी स्टेटस को लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ से आप लोग किसी भी स्टेटस को जैसे कि आपने सेंड किया तो ये स्टेटस लग तो गया, लेकिन यहाँ पे अब आपको नीचे देख सकते हैं आप लोगों को स्टेटस अंडू का भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप लोग स्टेटस को अंडू कर सकते हैं, मतलब कि वो स्टेटस डिलीट हो जाएगा। तो कभी कभी होता है कि गलती से हमसे कोई स्टेटस लग जाता है तो अगर आप लोग उसे जल्दी से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको 5-6 सेकंड का टाइम मिलता है जिससे कि आप लोग इसे अंडू कर सकते हैं। नहीं तो होता ये था कि जो भी लोग व्हाट्सएप जीवी व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसके पास वो स्टेटस पड़ा रहता था और 24 आवर तक वो लोग उसे देख पाते थे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से स्टेटस अंडू का फीचर का यूज़ करते हैं तो वो स्टेटस जी व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप के लोगों तक भी नहीं पहुँचेगा और कोई नहीं देख पाएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप के सर्च फीचर के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और अनरीड। तो अगर आप लोग कॉन्टैक्ट को सारे को फिल्टर करना चाहते हैं, आप लोग अगर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे है नन कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आप लोग इसे क्लिक करते हैं तो जो भी नंबर को आपने फ़ोन में सेव करके नहीं रखा है या कोई बिजनेस अकाउंट है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहीं पे लास्ट है अनरीड का। तो अगर आप लोग इसे क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी मैसेज अनरीड है, मतलब जिससे कि आप लोगों ने नहीं सीन किया है, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। So thanks for watching, be happy, always keep smiling, keep exploring, bye.